ही तो रहे हैं। यस। ठीक, तो जब हम सीखेंगे सबसे जरूरी, सारे लोग देव रुद्र ध्यान इधर, वही मैं बताने जा रही हूँ। सबसे जरूरी है सुनना, आप चीजें ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो पढ़ना और लिखना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बता रहे, देखो क्या लिखे हम, फिर क्या लिखे, फिर क्या लिखे, फिर क्या लिखे, अब बताए इसका मतलब। एल मीन्स लिसनिंग, मतलब सुनना, क्या कि कुछ भी पढ़ाते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको भले लिखने नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब ये मत सोचो कि बट मैम क्या बोल रही हैं समझ में नहीं आ रहा, हमको तो लिखने ही नहीं आता है तो क्या उसको सुने, क्या पढ़े है ना। नहीं, सुनना सबसे जरूरी है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, बोलना, क्या बोलना, मतलब आप जो सुने उसको अपनी भाषा में जब हम खड़ा करते हैं उसको जैसे ही आपको, आप भोजपुरी आ रही है भोजपुरी में ही बोलो, जरूरी नहीं है कि मैम हम डांटते हैं किसी को, हम किसी बच्चे को नहीं कहते कि कमजोर हो, सब लोग पढ़ने में तेज हो, सब लोग तेज हो। ठीक, तो दूसरी बात बोलना, बोलेंगे आप लोग ना, जो भी सुनेंगे अगर हम खड़ा करके पूछे कि बेटा क्या बता रहे हैं, आपको क्या समझ में आया, जो भी आप सुने हैं उसका जो भी पार्ट आपको याद है वो बोलिए। ठीक है, तीसरी बात रीडिंग। ठीक है, इन दोनों के बाद आप खुद आपका मन लग जाएगा कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए, मैंने बताया था इसी से बताया था, हम सुने थे और मैम हमसे पूछी थी तो हम बोले भी थे, तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। लास्ट में आपका आएगा राइटिंग, लिखना, कहने का मतलब कि हम कोई चीज पहले समझ लें और समझेंगे तब जब सुनेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे। जब पढ़ाते हैं तो आप लोग ध्यान से सुना करिए, जब लिखाते हैं तो आप लोग ध्यान से लिखा करिए, समझ गए। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ा करिए, जब लिखवाते हैं कुछ तो आपका फर्ज है कि आप ध्यान से उसको देख के लिखिए, नोट करिए, नहीं तो क्या होता है मैं एक ही मात्रा लगाई हूँ आप वो भी नहीं लगाए हैं, भूल गए, कॉपी चेक करते हुए मुझे काटना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि आपने ध्यान से नोट नहीं किया, ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखवाया तो यानी आपको नकल ही करना है ना। जब आप नकल करके नहीं सही लिख पाए तो आप अपने मन से कैसे वो मात्रा सही लिखेंगे, लिख लेंगे, क्यों नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे जब आप ध्यान से लिखेंगे तब। इसीलिए कहते हैं कम से कम नोट किया हुआ चीज तो गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जब खेल करवा रहे हैं, कोई खेल कूद करवा रहे हैं तो खूब इंजॉय से खेलो कूदो, ठीक है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो खूब मन से पढ़ो। मेरे कहने का मतलब हम बहुत इंजॉय करवाते हैं आप लोगों को, करवाते हैं ना, इसीलिए आप सब लोग रोज डेली स्कूल आते हो, एक दिन भी मिस नहीं करते हो, करते हो नहीं, घर रुकने का मन करता है नहीं करता है ना, किसका घर रुकने का मन करता है, किसी का नहीं, मेरा भी मन नहीं करता है घर रुकने का, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पूरे बच्चे आते हो, कोई मिस नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। कम सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, ठीक, हम कहते हैं दिन भर में एक ही नई चीज़ सिखाएंगे लेकिन अच्छे से, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए होगी। तो आज हम समाज सीखेंगे वो भी बढ़िया से, ये मतलब समझ में आया, एल एस आर डब्ल्यू, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक है, समझ गया, लिख लो क्या है सुनना, सुनना इसका मतलब है इसका बोलना, फिर पढ़ना, क्या बेटा पढ़ना, फिर लिखना, देखो लिखने वाली प्रक्रिया बाद में करना हमें, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमें, अगर हम समझ गए तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें वह हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे मैं 5-7 महीने पहले पढ़ाई थी आप लोगों को पर्यावरण, लेकिन आपको कम से कम इतना याद है ना कि पर्यावरण 2 शब्दों से बना है, परिधन आवरण, इतना तो याद है ना, और भी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताए थे, ऑक्सीजन के बारे में बताए थे, क्लोरोफिल के बारे में बताए थे,
तो कुछ तो याद हो गया आपको, तो आप लोग ध्यान से सुने थे तभी तो याद है ना। तो ऐसे जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी बात है आप लोग ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। जब लिखने को हम हट जाते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा नोट कर लो, तब आप लोग नोट किया करिए, समझ गए। चलो इसको नोट कर लो, ऐसे एक जगह साइड में अपनी कॉपी पे नोट कर लो।